हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी यूनिक होने वाली है, बिकॉज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ही इजी मैनिफेस्टेशन टेक्निक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आप जो है कोई कॉल या टेक्स्ट अपने एक स्पेसिफिक पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो और मैनिफेस्ट कर सकते हो रियलिटी में। ओके, ये जो है ये टेक्निक आप किसी के ऊपर भी ट्राई कर सकते हो। ओके, आपके फ्रेंड, कोई फैमिली मेम्बर या कोई क्रश या कोई लवर, ठीक है। बेसिकली आप जो है क्रश लवर के लिए इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, बिकॉज मुझे लवर एंड क्रश के लिए ही रिक्वेस्ट आ रहे थे। तो बहुत इजी टेक्निक है, इसे आपको जो है इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा। अगर इंस्टेंट मिलता भी नहीं है तो विद इन 48 आवर्स डेफिनेटली आपको जो है रिजल्ट मिल जाएगा। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि ये जो चीज़ आप करने वाले हो उससे आपको रिजल्ट जल्दी मिले, ठीक है। तो सबसे पहले वो कुछ चीज़ें मैं शेयर करूंगी, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि चीज़ को करना कैसे है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ जो आपको मेक श्योर करना है वो ये है कि आप इस टेक्निक को किसी के ऊपर यूज़ कर सकते हो जिनके साथ आपके कनेक्शंस बने हैं, ठीक है। लाइक उनके कभी इमोशंस आपके साथ रहे हैं, आपके कोई कनेक्शंस रहे हैं, कोई आपके साथ इमोशनली अटैच था, इमोशनली अटैच्ड है, उनके साथ ये चीज़ें वर्क करेंगी। कोई भी चीज़ किसी को भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जिनके साथ आपका कोई कनेक्शन ही नहीं है, जो आपको जानता ही ना हो, या फिर जिनके साथ आपकी जो है कोई इमोशंस जुड़े हुए नहीं है, तो उनको अगर आप मैनिफेस्ट करोगे भी तो रिजल्ट नहीं मिलते हैं, या मिलते भी हैं तो बहुत लेट से मिलते हैं। लेकिन अगर आपके कोई पास्ट के कोई लवर हैं या कोई भी है फ्रेंड फैमिली जिनके साथ आपके इमोशंस जुड़े हुए थे, जिनको आप प्यार करते थे, जो वो आपको प्यार करते थे या करते हैं, तो डेफिनेटली ये वर्क करेगा, ठीक है। तो इसे आप मेक श्योर कीजिए कि आप किस इंसान के लिए कर रहे हो, उसके बाद आप इस चीज़ को ट्राई कर सकते हो ताकि रिजल्ट जो है जल्दी मिले। दूसरा चीज़ जो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप जब इस टेक्निक को स्टार्ट करो करना, तब आपके मन में ये चीज़ नहीं रहना चाहिए कि इसे मैं कर रही हूँ, मुझे जो है एक दिन में या फिर कुछ घंटे में ही मैसेज कॉल चाहिए ही चाहिए। अगर आप इस एनर्जी में आ जाते हो, ठीक है, और अगर आप इस तरीके से भी एनर्जी में आ जाते हो कि कर तो रहे हैं लेकिन क्या मैसेज कॉल आ सकता है, क्या ये रियलिटी में पॉसिबल हो सकता है, अगर आपके ऐसे डाउट्स या फिर ऐसे मेंटालिटी आपकी रहती है इस चीज़ को करने से पहले, तो ये चीज़ वर्क नहीं करेगी, ठीक है। क्योंकि आपको लेट गो करना पड़ेगा, आपके अंदर वो एक लालसा नहीं होनी चाहिए कि आप इस चीज़ को कर रहे हो क्योंकि आपको इन रिटर्न मिले भी, ठीक है। आप इस चीज़ को इस तरीके से कीजिए कि आप ऑलरेडी आपने बता दिया है और बस आप खुश हो उस चीज़ को करके। आपको ऐसा इस चीज़ को टेक्निक को करना है जैसे रियलिटी में आप इस चीज़ को कर रहे हो, ठीक है। तो इसी भी आपको सोच लेना है कि किसी भी तरह के नेगेटिव थॉट्स या डाउट्स नहीं रखना है मन में जब आप इस चीज़ को करो। अगर आपके मन में डाउट्स है तो आप मत कीजिए, ठीक है, और उस चीज़ को हटा के ही आप पूरे प्योर इंटेंशंस के साथ इस चीज़ को कीजिए, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है ताकि आपकी जो ये टेक्निक है वो मैं बता रही हूँ इंस्टेंटली वर्क करता है। कुछ कुछ लोगों के लिए तो मिनट्स के अंदर ये वर्क कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज़ें डिपेंड करती हैं, सो अकॉर्डिंगली वैसे होंगी। ओके, सो नाउ हम जो है टेक्निक पे आते हैं कि आपको क्या करना है। बेसिकली बहुत ईजी स्टेप्स है, अगर आप कुछ कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री हो जाइए। अगर आप वीडियो के साथ ही मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो सबसे पहला स्टेप ये है कि जब आप इस टेक्निक को करने जाएं तो मेक श्योर कि आप लेटे नहीं हो या कहीं सोए हुए नहीं हो, ठीक है। इसे आप बैठ कर ही कीजिए बिकॉज आप जो है यूनिवर्स को मैसेज पहुंचा रहे हैं और यूनिवर्स के लिए कुछ रिस्पेक्ट ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, ठीक है। जिसके लिए जो है आप कहीं पर भी लेटे हो, कहीं भी कुछ कर रहे हो और अचानक से आपने स्टार्ट कर दिया, ऐसा मत कीजिएगा। कहीं पर भी एक पीसफुल जगह पर आप बैठ जाइए, चाहे बेड हो, सोफ़ा हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे, बैठ कर आप इस चीज़ को कीजिए, ठीक है। नाउ पास में आपके पास मोबाइल होना चाहिए आपका, जो भी आप यूज़ करते हो, ओके। सो आपको बैठ जाना है, आपको फ़ोन लेना है, फ़ोन को आपको साइड में रखना है, ठीक है। आपने साइड में रख दिया एंड देन जो है आपको जो है गहरी सांस लेना है, ठीक है। आपको इंस्पायर करना है एंड एक्सपायर करना है, ठीक है, इन द सेंस कि इनहेल करना है देन एक्सहेल करना है, ठीक है। तो सांस को धीरे धीरे लीजिए और छोड़िए, ठीक है। इसे आपको 3 टाइम्स करना है, सांस लीजिए देन धीरे धीरे रिलैक्स कीजिए। ऐसा आप जब करोगे तो आपके जो थॉट्स हैं, जो दिमाग में जो भी चल रहा है ना, वो क्लियर हो जाएगा, कोई भी थॉट्स नहीं रहेंगे माइंड में, माइंड एकदम से ब्लैंक लगेगा आपको, ठीक है।
तो इसे आप 3 टाइम्स कीजिए, थोड़ी गहरी सांसें लीजिए, ठीक है? वन एक्सेल, टू एक्सेल, थ्री एक्सेल, ओके? 3 टाइम्स आपको ये कर लेना है, ओके? एंड अब जो है आपको मोबाइल को अपने हैंड में लेना है, ठीक है? और हैंड में लेने से पहले इसे आप श्योर कर लीजिए कि आपके जब भी कोई मैसेज आते हैं, जैसे व्हाट्सएप मैसेज हो, कोई नोटिफिकेशन का जो साउंड है वो कैसा है। अगर आप मोबाइल को हमेशा साइलेंट रखते हो सकता है कि आप भूल चुके हो कि आपका कौन सा म्यूज़िक आता है, कौन सा साउंड पॉपअप होता है जब भी कोई मैसेज आता है। तो मेक श्योर कर लीजिए कि आपके मोबाइल में कौन सा साउंड आता है जिससे आप पहचान सकते हो, ठीक है, कि आपका मैसेज है या फिर आपके व्हाट्सएप में या फेसबुक में, इंस्टा में वगैरह में मैसेज आया है, ठीक है? तो आपको क्या करना है, अब आपको जो है हाथ में फ़ोन को लेना है और आपको जो है आइज़ को क्लोज कर देना है बिल्कुल, और फ़ोन जो है आपके हाथ में रहना चाहिए। आप कुछ भी यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है? जस्ट आपको ऐसे पकड़े रहना है, कैसे भी पकड़ सकते हो, दो हाथ से एक हाथ से। देन आपको जो है आइज़ क्लोज करना है। अब आप जिस भी पर्सन का कॉल या टेक्स्ट मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ आपकी मेमोरीज़ को याद करना है जो कि अच्छी मेमोरीज़ हैं, ठीक है? कभी आपने कॉल में बात की थी जब आप दोनों बहुत खुश थे, या कभी घूमने गए थे, टाइम स्पेंड किया था, तो जो मेमोरी आपके लिए बहुत हैप्पी थी उस चीज़ को आपको याद करना है, विजुअलाइज़ करना है आपकी आँखों के सामने, आपकी आँखों के सामने आपको फील करना है कि वो चीज़ हो रही है, ठीक है? आप बहुत खुश हो, ठीक है? तो इस चीज़ को आपको विजुअलाइज़ करते रहना है। आपको अपने पर्सन का, जो भी पर्सन है आपका, क्रश, फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, लवर, उसके फेस को विजुअलाइज़ करना है कि आप उसके फेस को एटलीस्ट क्लियरली देख पा रहे हो, या फिर जस्ट आप जो है फील कर पा रहे हो कि हाँ वो वही इंसान है, ठीक है? और जब आप इस चीज़ को फील करते करते आपको ऐसा लगे कि आप बहुत हायर वाइब्रेशंस में पहुंच चुके हो, बहुत हैप्पी हो, बहुत खुश हो चुके हो, ठीक है, याद करके उन सारी मेमोरीज़ को, उस वक्त जो है आप ऐसा फील करो कि आपका पर्सन आपके सामने है एंड आप अपने पर्सन को बोल रहे हो कि आपके पर्सन का जो भी नाम है या फिर जिस भी नाम से आप उन्हें बुलाते हो, आप उन्हें बोल सकते हो कि टेक्स्ट मी और कॉल मी, ठीक है? आई वांट टू हैव अ कन्वर्सेशन, प्लीज़ कॉल मी, प्लीज़ टेक्स्ट मी, ओके ओके। ये आप किसी भी लैंग्वेज में बोल सकते हो, नो मैटर, ठीक है? आपकी जो भी इच्छा है बोल सकते हो, इंग्लिश बोल सकते हो, हिंदी, बांग्ला, कोई भी लैंग्वेज, ठीक है, जो आपको आपको अच्छा लगे आप उस लैंग्वेज में आप उस पर्सन को बोल सकते हो। और जब आप इस बात को बोल रहे हो तो मेक श्योर कि आप हैप्पी रहकर ही बोल रहे हो आप, और ये आप विजुअलाइज़ भी कर रहे हो कि आपके जो पर्सन है इस बात को सुनकर भी हैप्पी है, ठीक है? तो आपको ये मैसेज कहीं ना कहीं दे देना है। अब जो है आपको जो है अब इस चीज़ को भूल जाना है कि आप अपने पर्सन को याद कर रहे थे। अब जो है आपको अगेन फिर से एक चीज़, नई चीज़ को विजुलाइज़ करना है। आपको विजुलाइज़ करना है कि आपका फ़ोन आपके हैंड में है, ओके? एंड सडनली आपको एक नोटिफिकेशन आया, ठीक है? यानी कि सडनली आपको कोई मैसेज आया, आपके मोबाइल स्क्रीन की जो स्क्रीन है वो लाइक ब्राइटनेस आ गया उसमें, ठीक है? लाइक ऐसे ब्राइट हो गया वो, ठीक है? एंड वो साउंड भी हुआ, ठीक है, जो साउंड आना चाहिए, और आपको दिख रहा है कि नोटिफिकेशन से जिस पर्सन का मैसेज आप चाह रहे थे उसी पर्सन का मैसेज है। आपको ऐसा सोचना है, ठीक है, आंख बंद करके सोचना है, हाथ में मोबाइल को पकड़े रहना है, ठीक है, और आपको ऐसा सोचना है कि वो मैसेज आ चुका है आपका, ठीक है? या फिर अगर आप कॉल कर रहे हो मैनिफेस्ट, तो आपको ऐसा देखना है कि आपके स्क्रीन में उस पर्सन का नेम या फिर आपने जो कॉन्टैक्ट नंबर जिस नाम से सेव कर रखा है वो कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, फ़ोन कॉल आ रही है, रिंग आपकी बज रही है, ठीक है? ऐसा आपको विजुअलाइज़ करना है, और आपको विजुअलाइज़ करना है कि आप बहुत ज़्यादा खुश हो गए उस नोटिफिकेशन को देखकर, ओके? एंड अब जो है आप उस नोटिफिकेशन को ओपन कर रहे हो, ठीक है? नोटिफिकेशन बार से आप ओपन कर रहे हो, ऐसा आपको फील करना है, मोबाइल में कुछ नहीं करना है, आँख बंद करके फील करना है, और आप उस नोटिफिकेशन को ओपन करके आप उन्हें रिप्लाई कर रहे हो, ठीक है? कोई अच्छा चीज़ ही रिप्लाई कर रहे हो, विजुअलाइज़ कीजिएगा कोई अच्छा मैसेज आपको मिला है, ठीक है? लाइक हाय, हाउ आर यू, काइंड ऑफ, ठीक है? ऐसा नहीं कि मुझे माफ़ कर दो, ये कर दो, वो सब नहीं, ठीक है? कोई अच्छा टेक्स्ट या जो भी है कॉल, अगर आपने कॉल मैनिफेस्ट किया तो आप ऐसा करो कि आपने रिसीव कर लिया कॉल को और आप अब जो है बात कर रहे हो कुछ भी, ठीक है? तो ऐसा आप फील कर रहे हो, बहुत आप हैप्पी हो, और आप ऐसा फील करो कि कंटिन्यूस आप दोनों की बातचीत हुई जा रही है, चाहे कॉल में हो, टेक्स्ट में हो। देन आपको जो क्या करना है, आपको करना है थ्री टाइम्स यूनिवर्स को थैंक यू थैंक यू थैंक यू यूनिवर्स बोलना है, ठीक है? हाथ में आपका मोबाइल रहेगा और आप बहुत हैप्पी हो, ठीक है? आपका चैटिंग में भी चल रहा है, लेकिन चैट करते करते ही आपको ऐसा फील करना है कि आप यूनिवर्स को शुक्रिया अदा कर रहे हो। तो आप जो है 3 टाइम्स थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, और देन जो है लेट गो कर दो
और अपने आईज़ को ओपन करो, मोबाइल को साइड में रख दो, ठीक है, जहाँ पर भी आपको रखना है आपका मोबाइल है, ठीक है। और अब जो है आप पूरी तरीके से फ्रेश फील करोगे और आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कुछ भी कि आपने क्या किया, रिकॉल नहीं करना है, ठीक है, कि आपने क्या किया, कुछ किया, कुछ भूल जाओ क्या किया आपने, ठीक है। आप ऐसे भूल जाओ कि आपने कोई एक्सरसाइज किया या कुछ किया, और जस्ट भूल जाओ, जो भी आपका काम है, जो भी आपका मन करे आप कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी कि इस चीज़ को यूज़ करने के बाद आप हाफ एन आवर एटलीस्ट मोबाइल को यूज़ ना करें, ठीक है। हाफ एन आवर तक आप कुछ और काम कर सकते हैं, उसके बाद आप अपना मोबाइल जैसे आपको यूज़ करना है कर सकते हैं, ठीक है। और आपको बिल्कुल नहीं सोचना है कि कब मैसेज आएगा, या फिर तड़पना नहीं है कि अब आएगा, अब आपको भूल ही जाना है कि आपने किया है, ठीक है। आपको बस भूल जाना है, फेथ रख कर कि आपने कर दिया है, अब ये हो जाएगा बस, और भूल जाना है। और जब आप बिज़ी हो जाओगे, अब जब टेंशन नहीं लोगे कि अब आ रहा है, देखते हैं मोबाइल, अब आएगा, और एकदम लेट गो कर दोगे इस चीज़ को, बिलीव रखना है, फेथ रखना पड़ेगा और लेट गो करना पड़ेगा, और बस अपने काम पर ध्यान दो, जो भी करियर में कर रहे हो, कुछ भी लाइफ में, डे टू डे लाइफ में जो भी कर रहे हो उसमें आप फोकस कीजिए, बस आपका काम यहाँ पर ख़त्म हो गया, ठीक है। इसे आप किसी भी वक्त कर सकते हो, नो मैटर सुबह शाम रात, कभी भी आप कर सकते हो, ठीक है, जब भी आपका मन करे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है कि बस आप एक दिन ही कर रहे हो, ठीक है, आप जो है डेली इस चीज़ को कर सकते हो, ठीक है, डेली इन द सेंस कि हालांकि देखिए एक बार ही आप कीजिए, अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला इनकेस अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो आप जो है फिर 48 आवर्स बाद फिर से कर सकते हो 2 डेज के लिए कंटिन्यूसली, ठीक है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, कुछ मिनट्स के अंदर मिल जाएगा, किसी को कुछ आवर्स में, और किसी को 24 to 48 आवर्स के अंदर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को अगर बिना ध्यान रखे आप करोगे तो हो सकता है आपको रिजल्ट ना मिले, ठीक है। तो आपको पूरा लेट गो कर देना है, हैप्पी रहना है, जितना अपने वाइब्रेशंस को हाई रख सको रखो, स्टॉक वगैरह मत करना अपने पर्सन को अगर नो कांटेक्ट वगैरह है या कुछ है, पिक्चर वगैरह मत देखना, ठीक है, क्योंकि वो चीज़ फिर याद आ जाएगी कि आपने कुछ किया हुआ था, आपने मैनिफेस्ट किया हुआ था। तो ये चीज़ को करके आपको लेट गो करना है, डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। और जब आपको रिजल्ट मिले तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइज, जान के बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ओके। सो गाइज़, ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग, नॉट अ रीडिंग, एक्चुअली हैबिट बन चुका है, ठीक है, रीडिंग लाते लाते रीडिंग ही निकल रहा है मुँह से। सो ये थी आप लोगों की वीडियो, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों को मैं अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स कर पाऊँ। सो मैं मिलती हूँ गाइस आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।